अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन एंड आई एम नथिंग विदाउट यू। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सपोर्ट किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर किया करें। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट MCQs है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2 माइनस एक्स टू द पावर 10 एक्स पाई बाय 2। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इस पर डायरेक्टली अन्य वाला लिमिट अप्लाई करते हैं और आंसर को देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। जहाँ जहाँ x है 1 पुट किया, ये 1, 2 माइनस 1 क्या बनेगा, 2 माइनस 1 बनेगा 1। यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो ये क्या बनेगा, 10 हमारे पास बनेगा, यहाँ पर 1 की पावर में 10 पाई बाई 2। अब आपको पता होना चाहिए 10 पाई बाई 2 क्या है, मतलब 10 90, और 10 90 क्या होता है, इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी याद रखिएगा इज़ नॉट इक्वल टू 1, इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। हमें इसे सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। हाँ ये ज़रूर है कि अगर 1 की पावर n है तो इक्वल n होगा फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इन्फिनिटी है ये नंबर नहीं है, सेट ऑफ रियल नंबर का कोई नंबर नहीं है, तो हमें इसे सॉल्व करना होगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए माय डियर स्टूडेंट हम इसे लेट कर लेते हैं y के इक्वल। लेट किया, जो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहाँ पर 2 माइनस एक्स टू दी होल पावर 10 एक्स पाई बाई 2। तो सबसे पहले क्या किया, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर नेचुरल लॉग y बन गया, तो डेफिनेटली यहाँ पर बनेगा नेचुरल लॉग लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2 माइनस एक्स टू दी पावर 10 एक्स पाई बाई 2। बाय लॉग ला, यहाँ पर सबसे पहले तो ये लॉग का ला है कि लिमिट पे अप्लाई कर सकते हैं और नेक्स्ट बाय लॉग ला पावर स्टार्ट में आ जाएगी। तो एक स्टेप स्किप करते हुए इसे मैं राइट कर सकता हूँ, यहाँ पर 10 एक्स पाई बाई 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगी, ये स्टार्ट में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेचुरल लॉग 2 माइनस एक्स। अब इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या है, लॉग y, और 10 है रेसिप्रोकल में लिखूंगा तो ये कॉट बन जाएगा, यहाँ बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेचुरल लॉग 2 माइनस एक्स अपॉन कॉट एक्स पाई बाई 2। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इसको फ्रैक्शन में क्यों पुट कर रहे हैं, बिल्कुल रीज़न है। डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें, अगर मैं इस पर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करता, यहाँ पर 1x की वैल्यू पुट करता, तो डेफिनेटली ये दोबारा फिर जब इस पर लिमिट अप्लाई करनी थी x की वैल्यू 1, तो ये बनना था 10 90। 10 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, इससे मल्टीप्लाई होना था तो दोबारा इन्फिनिटी ही बनना था। अब फ्रैक्शन में शिफ्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ, फ्रैक्शन में शिफ्ट करने का फ़ायदा ये हुआ कि अब अगर मैं इस पर लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये log 1 क्या होता है, 0। यहाँ पर जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा x की 1, तो ये पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2 क्या होगा, डेफिनेटली 0। तो ये बनती है 0/0 फॉर्म, और आपको पता है अगर 0/0 फॉर्म है तो हम लिमिट में क्या करते हैं, लोपिटर रूल अप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे नेचुरल लॉग y, लोपिटर रूल अप्लाई करेंगे, ऊपर वाले का अलग डेरीवेटिव क्या आएगा, डेरीवेटिव आएगा 1/2 माइनस एक्स, देन एंगल का फंक्शन का डेरिवेटिव और कॉट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स पाई बाई 2, देन साथ क्या आएगा, एंगल का डेरिवेटिव, एक्स पाई बाई 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूंगा तो वो बनेगा पाई बाई 2। अब इस पे हमें क्या करनी है, यहाँ पर अभी लिमिट साथ ही है, यहाँ पर है नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, तो जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, लेफ्ट साइड पे नेचुरल लॉग y है, राइट साइड में जहाँ जहाँ x है 1 पुट किया, तो ये 2 माइनस 1 क्या बनेगा, 1 माइनस 1/1 क्या बनेगा, माइनस 1। यहाँ पर लिमिट अप्लाई की तो ये वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर 1। उसके बाद हमारे पास है कोसिकेंट पाई बाई 2, हमें देखना होगा कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का, साइन 90 क्या होता है, 1, तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, 1, यानी ये माइनस 1 और यहाँ पर बना पाई बाई 2। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, ये बनेगा 2 बाई पाई। अब
नेचुरल लॉग वाई है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए वाई की। तो लॉग को ख़त्म करना हो तो क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, या ऐसे कह लें ये इस वक्त है लॉग वाई बेस की इज इक्वल टू 2 बाई पाई। तो राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करूँगा तो लॉग वैनिश हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2 बाई पाई ये आएगा। और वाई क्या है, y हमारा क्वेश्चन था जिसके हमें इसकी इक्वल लिया था, तो इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रही है वो कौन सी है, e टू द पावर 2 बाई पाई, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन रही है। कौन सी ऑप्शन है, डेल्टा ऑप्शन है। समझने से रिलेटेड था, ज़रा लेंथी था, लेकिन एक बार आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो रूटीन में आ जाएगा कि इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x cos x upon pi minus 2x whenever x is not equal to pi by 2 and 3 whenever x is equal to pi by 2 and if limit x approaches to pi by 2 f of x is equal to f of pi by 2 then the value of k is, हमें k की value find करनी है। Dear student, हमें वो बताना ये चाह रहा है कि ये हमारे पास function है, ये function continuous है एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो डेफिनेटली फंक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल होगा लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो हम इसको शॉर्टकट फॉर्म में ऐसे भी राइट कर सकते हैं, बिकॉज गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस देयर फॉर फंक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट, इस वक्त कॉन्स्टेंट क्या है पाई बाई टू, इक्वल होगी लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ कांस्टेंट क्या है, फंक्शन ऑफ कांस्टेंट हमारे पास जब यहाँ x की वैल्यू पाई बाई टू पुट करूँगा तो फंक्शन ऑफ कांस्टेंट पे वैल्यू क्या मिल रही है 3, और यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई टू, कौन सा लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई टू का मतलब है कि x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू पाई बाई टू, या तो x टू से पाई बाई टू से स्मॉलर है या ग्रेटर है। तो डेफिनेटली x अप्रोचेज टू पाई बाई टू के लिए कौन सा पोर्शन यूज होगा, फर्स्ट वाला। यहाँ पर हमने राइट किया x cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब हम इस पर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं, तो cos 90 क्या होता है 0, 0 को k से मल्टीप्लाई करूँगा 0, पाई माइनस यहाँ पर पाई बाई टू पुट करूँगा तो 0, यानी 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है राइट साइड पर। अब अगर 0 ओवर 0 फॉर्म है तो क्या अप्लाई करेंगे, लोपिटल रूल। तो यहाँ पर ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव लिया माइनस का k साइन x, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव लिया, अभी लिमिट साथ ही है, यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई टू है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 2, अगेन नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1, 3 इज इक्वल टू k बाई टू, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी 6, जो कि हमारे पास चार्ली ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा MCQs है इफ f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर इस सिमेट्रिक अबाउट, हमें इसकी सिमेट्री बतानी है। डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर हमारे पास ये फंक्शन है लाइक दिस, अगर मैं इसमें x को रिप्लेस करता हूँ माइनस x में और कोई चेंज नहीं आती, इसमें कोई चेंज नहीं आती, तो ये क्या होगी, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। और अगर हमारे पास यही फंक्शन है, इसमें y को रिप्लेस करता हूँ माइनस y में, कोई चेंज नहीं आती, तो यहाँ पर सिमेट्री क्या होगी, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस होगी। और अगर इसमें x को रिप्लेस करूँ माइनस x में, y को रिप्लेस करूँ माइनस y में, और अगेन कोई चेंज ना आए, तो हमारे पास फंक्शन की सिमेट्री क्या होगी, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होगी। और अगर x कॉमा y में, x को रिप्लेस करूं y में और y को रिप्लेस करूं x में और इक्वल आ जाए अगेन f ऑफ x कॉमा y, तो हम बोलते हैं इसकी सिमेट्री क्या है, अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x है। तो यहां पर हम अपने MCQs की तरफ आते हैं। अब इसमें जब मैं x को रिप्लेस करता हूं माइनस एक्स में, वाई को रिप्लेस करता हूँ माइनस वाई में, तो देन फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, और देन उसकी सिमेट्री क्या होगी, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होगी, जो कि हमारे पास चार्ली ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा MCQs है, लेट किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ f इनवर्स ऑफ 6 इज, हमें इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो दोबारा से आपको रिमाइंड करवाने के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। शॉर्टकट की क्या है, अगर हमारे पास फंक्शन है ax प्लस बी
इफ एंड ओनली इफ इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ द फंक्शन होगा एक्स माइनस बी अपॉन ए। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है 5x + 1। इफ एंड ओनली इफ इसका इनवर्स क्या होगा, डेफिनेटली सेंट्रल साइन चेंज और एक्स के कोफिशेंट से डिवाइड, ये होगा। अब हमें एफ ऑफ एक्स नहीं चाहिए, हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स नहीं चाहिए, हमें एफ इनवर्स ऑफ 6 चाहिए। तो यहाँ पर एफ इनवर्स ऑफ 6 क्या होगा, 6 पुट करेंगे, 6 - 1 = 5, 5/5 = 1। तो एफ इनवर्स ऑफ 6 में हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी आएगी, अल्फा हमारे पास सूटेबल ऑप्शन होगी। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 6e^4x - e^-2x / 8e^4x - e^-2x + 3e^-x इज इसका आंसर देना है। अब डियर स्टूडेंट, अगर तो मैं इस पे डायरेक्टली अन्य वाला लिमिट अप्लाई करता हूँ तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। अब आपके माइंड में फौरन आएगा लोपिटल रूल, बिल्कुल लोपिटल रूल, लेकिन ये एलिमिनेट नहीं होता। e^4x का डेरिवेटिव लूँगा, पहले यही आएगा, देन 4x का डेरिवेटिव 4। तो सेकंड हमारे पास सोल्यूशन क्या है, अगर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये होती है कि हम इन्फिनिटी को शिफ्ट करते हैं फ्रैक्शन में, क्योंकि हमें पता है कि 1/∞ क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से न्यूमिनेटर से e^4x कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या आएगा यहाँ पर 6 - e^ ऑलरेडी थी -2x, यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है e^4x, और सेम यहाँ से भी e^4x कॉमन लूँगा तो ये बनेगा 8 - e^2x / e^4x + 3, यहाँ पर e^-x / e^4x ये बनेगा। अब ये तो कैंसल, लिमिट साथ उसी तरह, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। आप नोटिस करें यहाँ पर है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 6 - ये नेगेटिव जब न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूँगा तो ये बनेगा e^6x, और सेम यहाँ पर 8 - ये हाफ कैंसल e^2x, और सेम ये बनेगा 3 / e^5x। अब जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूँगा तो सम वैल्यू ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0, क्योंकि ये x की इन्फिनिटी पुट करूँगा तो e^∞ क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है, 1/∞ क्या बनेगा, 0, यानी 6 - 0, यहाँ पर 8 - 0 प्लस 3/∞ वो भी 0, तो वैल्यू क्या बनेगी 6/8, सिंप्लीफाई करूँगा इसे तो क्या बनेगा 3/4, ये हमारे पास आंसर होगा। और हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी है, सूटेबल ऑप्शन है हमारे पास बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स फॉर द फंक्शन इज, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास लीनियर फंक्शन डिवाइड बाय लीनियर फंक्शन है तो यहाँ पर एसिम्प्टोट्स हम फाइंड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 1/2x - 1, ये फंक्शन है। अगर तो वो हमें ये कहता है कि इसकी वर्टिकल एसिम्प्टोट्स क्या होगी, तो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स के लिए, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स के लिए हमने क्या पुट करना था, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 लेना था, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो वेरिएबल की वैल्यू है यही हमारे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है। और आप नोटिस करें 1/2 का मतलब क्या, 0.5, तो अगर मैं इसको ग्राफ पे ड्रा करूंगा एक्स की वैल्यू 0.5, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये लाइन ड्रा होगी और ये क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है इस फंक्शन की। अब इसी पे अगर वो हमें ये कहता है कि इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स क्या होगी, तो एक तो हमारे पास शॉर्टकट की है, क्या करना है, इस पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करना है, इसको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वही हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स होगी। एक तो हम इसको शॉर्टकट डिस्कस करते हैं कैसे, हमने लिया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3x + 1/2x - 1, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करता हूँ तो क्या बनता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, हमने इससे अवॉइड करना है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, तो क्या अप्लाई करेंगे, लोपिटल रूल, डेफिनेटली ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है,
थ्री यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं, क्या बन रहा है टू। तो हमारे पास कौन सी एसिम्प्टोट्स है, हमारे पास है इस वक्त हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स में क्या इंक्लूड होगा, डेफिनेटली वाई इंक्लूड होगा। हम राइट कर देंगे वाई इज इक्वल टू 3/2, ये ऑप्शन है। सेकेंडली हम ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं। देखें अगर तो वो पूछ रहा है हमसे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स लाइक दिस, ये है हमारे पास अपवर्ड या यहाँ पर कहीं है, इसका मतलब जब हॉरिजॉन्टल एसम टूट जाए तो y की वैल्यू y इक्वल टू समथिंग होगा, x इंक्लूड नहीं होगा, या तो ये ऑप्शन होगी या ये। और अगर वो हमसे ये पूछता है कि हमें बताएं वर्टिकल एसम टूट, तो वर्टिकल एसम टूट्स में वेरिएबल x इंक्लूड होता है, देन ये वाली ऑप्शन स्किप हो जानी थी। अब इसको डिटेल में देखें तो ये बेसिकली कैसे हमें मिल रही है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हमें एसम टूट्स फाइंड करनी है, हम बेसिकली क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। तो अब अगर मैं इस फंक्शन पे डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो लेता हूँ तो मुझे एक एसम टूट्स मिलती है, और वो है एसम टूट्स। अब इसी फंक्शन की अगर हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल एसम टूट, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसका इन्वर्स लेना है, इस फंक्शन का हमें इन्वर्स लेना है, और इसका इन्वर्स फाइंड करना ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। हमारे पास अगर ये फंक्शन है 3x + 1 2x - 1, हम इसके इन्वर्स के लिए की शॉर्टकट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं भी याद तो हमने इसे y के इक्वल लिया, 3x + 1 / 2x - 1 सॉल्व करेंगे, x के लिए डिवाइड है, इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2xy - y इज इक्वल टू 3x + 1, एक्स वाली टर्म कंबाइन करते हैं, 2xy - 3x इज इक्वल टू y + 1, यहाँ से x कॉमन लेंगे, 2y - 3 इज इक्वल टू y + 1, अगेन सिंप्लीफाई किया, x क्या होगा y + 1 / 2y - 3। अब यहाँ पर x क्या है, आप नोटिस करें, अगर हम मेरे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो डेफिनेटली एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल है एक्स के, एक्स की वैल्यू लगाई, एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y + 1 / 2y - 1, रिप्लेस किया y को किस में, x में, तो ये बनेगा x + 1 / 2x - 1। अब इनवर्स फंक्शन बन चुका है, तो डेफिनेटली एसिम्प्टोट चाहिए हॉरिजॉन्टल, तो हम हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए पुट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास सॉरी 3 है, इसको पुट करेंगे 2x - 3 = 0। तो आप नोटिस करें वैल्यू क्या मिल रही है, हमारे पास वैल्यू मिल रही है 3/2। तो क्योंकि इन्वर्स है, तो इन्वर्स में जब हम फंक्शन का इन्वर्स लेते हैं तो जो हमारे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट है वो किस में चेंज हो जाती है, वो चेंज हो जाती है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में। तो इसलिए ये सारा वर्क करने के बजाय हम डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए इस पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हैं। तो डिफरेंट वे हैं, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि बैकअप में वर्किंग क्या है इसे सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e^(x - 1) / e^(x + 1) इज, ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, नैनो फंक्शन है, ऑल ऑफ दिस, कौन सा फंक्शन है। नैनो फंक्शन स्टैंड फॉर नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, जस्ट मैनेज करने के लिए शॉर्टकट राइट कर दिया है। अब डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ इवन और ऑड फंक्शन हम एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स में, अगर आंसर आता है पॉजिटिव ऑफ द फंक्शन तो इवन फंक्शन है, नेगेटिव ऑफ द फंक्शन है तो ऑड फंक्शन है, और अगर इज नॉट इक्वल टू +/-f(x) तो देन नैनो फंक्शन होता है। हमने इसमें रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस किया, एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, राइट साइड पे बनेगा e^(-x - 1) e^(-x + 1), इसको राइट कर सकता हूँ 1/(e^(-x - 1) 1/(e^(-x + 1), एलसीएम लेंगे क्या बनेगा 1 - e^(-x), और यहाँ पर क्या बनेगा 1 + e^(-x), फ्रैक्शनल वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, अगर मैं नेगेटिव कॉमन लूँ तो ये e^(-x - 1), और यहाँ पर क्या रहेगा, जस्ट पॉजिटिव है तो इसे सेम राइट कर दिया जस्ट रीअरेंज करके। अब आप नोटिस करें ये नेगेटिव ऑफ द फंक्शन के इक्वल है, तो नेगेटिव ऑफ द फंक्शन के इक्वल है तो हमारा फंक्शन कौन सा होगा, ऑड फंक्शन होगा, वेरी सिंपल था, बीटा ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन, आपको बता होना चाहिए ये हमारे पास पीस वाइज
फंक्शन है इज कंटिन्यूस एट, हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। बुक का क्वेश्चन है, हमारा डिटेल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे हमने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट करना है। तो डेफिनेटली अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सबसे पहले हमें शॉर्टकट वे में ये डेफिनेशन होनी चाहिए। हमारे पास डेफिनेशन क्या है, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल होगी लिमिट x अप्रोचेज टू कॉन्स्टेंट एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं माइनस टू पे। तो आप नोटिस करें माइनस टू में यहाँ पर क्या है, x लेस देन है माइनस टू, और यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर देन है माइनस टू। तो अब यहाँ पर हम अटेम्प्ट करते हैं इस पे कंटिन्यूटी माइनस टू पे। जब मैं माइनस टू पुट करूँगा तो क्या आता है, माइनस टू पे वैल्यू बनती है माइनस सिक्स, और यहाँ पर जब मैं माइनस टू पुट करता हूँ माइनस टू का स्क्वेयर फोर माइनस वन, ये आता है थ्री, नॉट इक्वल। इट मीन्स के माइनस टू पे तो कंटिन्यूस नहीं है, ये बात कन्फर्म है। अब हम इसे कन्फर्म करते हैं किस पे, अब हम इसे टू पे कन्फर्म करते हैं कंटिन्यूटी। तो आप नोटिस करें यहाँ पर क्या है, एक्स लेस देन टू है और यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू है। और जब हम 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो माइनस टू को हमने भूल जाना है। तो इसका मतलब जब 3 पुट कर जब 2 पुट करूंगा तो 2 पुट करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 3। और जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, तो डेफिनेटली x अप्रोचेज टू 2 का मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है। अभी हम ये कंसिडर कर रहे हैं। तो जब मैं इसी पे अप्लाई करूंगा राइट हैंड लिमिट 3 आंसर आ रहा है, जब मैं लेफ्ट हैंड इस पे अप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली 4 माइनस 1 क्या आ रहा है, 3। इट मीन्स ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर था। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सजेशन हो या कहीं आपको मिस्टेक मिले तो आप रेक्टिफाई ज़रूर करवाइएगा। थैंक यू सो मच।